तो भाई वो न्यूयॉर्क प्रो जो है 2019 का कंपटीशन हो चुका है, फिनिश ख़त्म हो गया, और आज हम लोग बात करेंगे इसमें, इसके रिजल्ट्स के बारे में, और क्या प्लेसिंग्स वगैरह रही, और क्या सही प्लेसिंग्स दी गई सारे कंटेंडर्स को, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यही वीडियो का आज का टॉपिक है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आज के इस रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चैंपियंस के बारे में ही बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्लेस जो आया मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर, वो आया वॉन मोराल का, और इनसे काफ़ी हद तक ये उम्मीद लगाई भी जा रही थी कि ये जीतेंगे। काफ़ी अच्छी वैसे फिजिक थी इनकी, मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट फिजिक थी इनकी लाइफ की। फर्स्ट प्लेस की अगर बात करता हूँ मैं मेंस 212 में, तो उसमें यहाँ पर नंबर लगता है अहमद अशकनानी का, और उन्होंने इस वाले कंपटीशन को जीत लिया। हालांकि ऑलरेडी वो क्वालिफाइड थे ओलंपिया खेलने के लिए 212 कैटेगरी में, क्योंकि फोर्थ आए थे वो पिछले साल, पर इस वाले कंपटीशन में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं और इसको जीत लेते हैं। फर्स्ट प्लेस की अब मैं बात करता हूँ अगर क्लासिक फिजिक डिवीजन के अंदर, तो उसको यहाँ पर ले करके गए हैं क्यॉन पियर्सन, और एक अच्छी फिजिक के साथ में उन्होंने यहाँ पर खुद को डिस्प्ले करा, और उनकी भी फिजिक काफ़ी काफ़ी इम्प्रूव्ड नज़र आ रही थी। और मेंस फिजिक की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर विनर बनते हैं कायरन होल्डन, तो ये सारे थे यहाँ पर मेंस कैटेगरी के विनर। और बाकी इसमें फिगर कैटेगरी भी है जिसमें कि जेसिका रीज ने यहाँ पर फर्स्ट प्लेस हासिल करा। बिकनी की अगर बात करता हूँ तो मैरिला पेले ग्रीन नामक एक कोई बिकनी कॉम्पिटिटर है, उन्होंने इस कॉम्पिटिशन को जीता है। और बस यही थी इसमें कुल मिलाकर के सारी कैटेगरीज और सारे के सारे विनर्स। अब बात करें हम लोग स्टार्टिंग से, सबसे पहले मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की, तो बेसिकली यार मेंस ओपन के अंदर मैं इन टॉप थ्री बॉडी बिल्डर्स के बीच में एक छोटा सा इसमें कंपैरिजन करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें जो प्लेसिंग रही वॉन मोराल की, वो बिल्कुल ठीक है, डिजर्व करते थे वो, और काफ़ी अच्छा उनका पैकेज था। स्पेशली मैं उनकी चेस्ट कहना चाहूँगा, काफ़ी बड़ी थी, मतलब एक तो वैसे भी उनकी चेस्ट काफ़ी अच्छी है, बड़ी राउंडेड, और एक परफेक्ट चेस्ट जिसको आप कह सकते हो ना, बहुत बढ़िया, बहुत इंप्रेसिव लग रही थी। हालांकि पोजेज ये दो तीन ही करते हैं अपने मोस्ट मस्कुलर के, और साइड चेस्ट या फिर बैक डबल बाइसेप, बस ये तीन पोजेस के अंदर ही इनका रूटीन रहता है, लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव यही लग रहे थे, इनको यहाँ पर जीत मिली। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अकीम विलियम्स की, तो अकीम विलियम्स नहीं थे इंप्रेसिव, अकीम विलियम्स अपनी बेस्ट पर नहीं थे, इनफैक्ट वो ऑफ लग रहे थे, उनके अंदर वो कंडीशनिंग नहीं थी जो होनी चाहिए। और थर्ड पे जो आए मिलेन सेडिक, इनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पर, तो आराम से इनका यहाँ पर सेकंड प्लेस दिखाई दे रहा था क्लियर, और हर एक पोज में अकीम विलियम्स को तो ये बीट कर रहे थे। स्पेशली इनकी जो ऑयलिंग वगैरह थी सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव थी पूरे लाइनअप के अंदर, और कंडीशनिंग तो इनकी बहुत अच्छी है अकीम विलियम्स से, आप साफ साफ देख सकते हैं। मतलब अगर आप कंपेयर कर लें इन दोनों को, हर एक पोज में थर्ड नंबर पर जो ये बॉडी बिल्डर रहे हैं मिलन, ये अकीम विलियम्स को बीट कर पा रहे हैं, और डेफिनेटली अकीम विलियम्स ऑफ थे हर जगह पर आप देख सकते हो, और तब भी सेकेंड प्लेसिंग पता नहीं किस बिहाफ पे यहाँ पर जजेस ने दिया है। मेरे हिसाब से जजेस को जिसकी ज़्यादा यहाँ पर हाइप लग रही थी, शायद उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर प्लेसिंग दी है, क्योंकि बहुत ही कम एक आध पोज में मैं कह सकता हूँ कि अकीम विलियम्स इनसे अच्छे लग रहे थे। स्पेशली बैक की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, बैक इनकी सबसे अच्छी थी इनफैक्ट अकीम विलियम्स की, और बैक डबल बाइसेप पोज भी अच्छा था, पर ये श्रेडिड नहीं थे। बॉडी बिल्डिंग में साइज़ सिर्फ देखा नहीं जाता, बॉडी बिल्डिंग में कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और कंडीशनिंग में जो मिलन सेडिक जो थे ये अकीम विलियम्स को खा रहे थे, और फिर भी इनको यहाँ पर थर्ड प्लेसिंग दी गई। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे सेकंड प्लेस, और इनफैक्ट काफ़ी क्लोज लग रहा था इन दोनों का, वॉन मोराल और मिलन जो थे आपस में काफ़ी साथ साथ ये लग रहे थे, दोनों एकदम क्लोज टू क्लोज लग रहे थे देखने में, लेकिन फिर भी इनको यहाँ पर थर्ड प्लेसिंग दी गई, जिससे कि पर्सनली मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और अकीम विलियम्स को यहाँ पर सेकेंड प्लेस कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मेंस 212 डिवीज़न की, तो इसमें फर्स्ट पर रखा गया है जैसे कि मैंने बताया अहमद अशकनानी को, सेकंड पर रखा गया है एडियो राडो, इनका कुछ करके नाम है, और थर्ड पर आते हैं कैरिथ बज्जो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अहमद अशकनानी को क्या सोच के जजेज ने फर्स्ट प्लेसिंग दी है, मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़। बिकॉज अहमद अशकनानी कहीं से कहीं तक फर्स्ट तो मैं नहीं कह सकता, मैं कहूँगा कि फोर्थ प्लेस पर डिज़र्व करते थे वो, शायद अगर फिफ्थ प्लेस पर भी आते तो भी कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि अहमद अशकनानी फर्स्ट प्लेस मतलब किस एंगल से ये फर्स्ट दिखाई दे रहे हैं। इनकी बॉडी में ना तो कंडीशनिंग कोई अच्छी दिख रही है, और ना सेपरेशन, सेपरेशन इनकी फिजिक में कभी दिखता ही नहीं है, और लेग्स बिल्कुल एक वीक इनका बॉडी पार्ट है, बैक इनकी बिल्कुल चपटी आती है पीछे से, एक बिल्कुल प्लेन बैक जिसको हम कह सकते हैं, कोई सेपरेशन ही नहीं है किसी मसल्स के अंदर। और वहीं अगर आप ये थर्ड नंबर के बॉडी बिल्डर को देखोगे कैरिथ, कंपेयर कर लो यार अहमद अशकनानी और कैरिथ को साइड टू साइड, मतलब हर एक पोज में ये इनको बीट कर पा रहे हैं हर एक पोज में, और यहाँ पर इनको थर्ड प्लेसिंग दी गई, मतलब दिमाग से ऊपर की बात है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जजेस ने यहाँ पर क्या करा है इनके साथ में, और किस हिसाब से यहाँ पर न्यूयॉर्क प्रो के जजेस ने जजिंग करी है। अहमद अशकनानी को मतलब फर्स्ट प्लेस कैसे दिया जा सकता है, इतनी अनइम्प्रेसिव उनकी फिजिक है। हाँ माना अहमद अशकनानी एक बड़ा नाम है, ठीक है ओलंपिया में फोर्थ प्लेसिंग भी उनकी आई, बट फर्स्ट प्लेस इस वाले कॉम्पिटिशन में, बाकी भी तो कॉम्पिटिटर्स हैं,
नाइंसाफ़ी हुई है मुझे लगता है यहाँ पर, जजेस ने गलत गलत डिसीजंस दिए हैं 212 में तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा। मतलब आप किसी भी एंगल से, किसी भी पोस्ट से कंपेयर कर लो, अहमद अशकनानी को कैरिट से, या फिर इनफैक्ट जो सेकंड आए हैं इनकी फिजिक भी बहुत बेटर है अहमद अशकनानी से। इनफैक्ट ये फर्स्ट आना डिजर्व करते थे, कई लोग ये बोल रहे हैं। तो फर्स्ट प्लेसिंग के लिए कायदे से जो सेकेंड आए हैं इस वक्त और जो थर्ड आए हैं उनको, उनमें से कोई एक होना चाहिए था विनर, अहमद तो बिल्कुल भी नहीं। और ये था यहाँ पर इनका रिजल्ट 212 का फिलहाल। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्लासिक फिजिक की, तो हाँ इसमें क्योन पियर्सन कमाल के इंप्रेसिव लग रहे थे। अभी आप एक चीज़ देखो यार, जो क्लासिक फिजिक की जो एथलीट्स है, फॉर एग्जांपल क्योन, कंपेयर कर लो इनको अहमद अशकनानी से, तो आप देखोगे मतलब क्लासिक फिजिक के जो एथलीट्स है वो ऐसे मेंस 212 के एथलीट्स को तो आराम से बीट कर देंगे। मतलब जो कहते हैं ना धोखे मारने वाली बात जो होती है, तो क्लासिक फिजिक का भी यहाँ पर एक लेवल जा चुका है। इसी वजह से कई लोग क्लासिक फिजिक को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ के एक तो बॉडी बिल्डर्स मैं देख रहा हूँ कि अच्छे जेनेटिक्स वाले बॉडी बिल्डर्स क्लासिक फिजिक में आ रहे हैं। प्रपोर्शंस जो हैं वो वापस से आता जा रहा है गेम के अंदर, स्मॉल वेस्ट आ रही है, एक अच्छा वैक्यूम पोज हिट कर रहे हैं, बाइसेप्स का साइज़ अच्छा है, लैट्स अच्छे बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेग्स बड़े हैं, हर चीज़ परफेक्ट है। और यहाँ पर फिर मेंस 212 के बॉडी बिल्डर्स किसी भी एंगल से अच्छे नहीं है। मेंस 212 में आप सबसे बड़ी दिक्कत देखोगे कि बॉडी बिल्डर्स के साथ एक तो प्रोपोर्शंस की सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब मेंस ओपन से ज़्यादा बिगड़े हुए प्रोपोर्शंस मेंस 212 के बॉडी बिल्डर्स के दिखते हैं, साइज़ नहीं होता इनके लेग्स में ज़्यादा। और मेंस 212 में उतने अच्छे फिजिक वाले, उतने अच्छे जेनेटिक्स वाले बॉडी बिल्डर्स है भी नहीं। और इस केस में मैं थोड़ा हालांकि थोड़ा सा इसमें मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मेंस 212 का इस तरह से अगर जाता रहेगा तो इनका फ्यूचर डार्क में, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक से इस डिवीज़न को बाहर कर दिया गया। और यही कारण था कि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या तो जो एक पर्सन है, जो एक फ़ैन है, वो मेंस ओपन की तरफ जा रहा है, या फिर क्लासिक फिजिक की तरफ जा रहा है, या फिर मेंस फिजिक की तरफ जाएगा लास्ट में। मेंस 212 का नंबर सबसे आखिर में आ रहा है। और क्योन पियर्सन के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा हाँ, इनकी फिजिक में इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये अच्छी लेवल पे जाते जा रहे हैं अभी भी। हालांकि इनको अपनी चेस्ट में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बाकी के अगर कॉम्पिटिटर से मैं इनको यहाँ पर कंपेयर करूँ जो सेकंड आए हैं न्यूयॉर्क प्रो में, उनसे डेफिनेटली क्योन पियर्सन काफ़ी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बहुत अच्छे से सिमेट्री और बैलेंस इन्होंने बनाया हुआ है अपनी फिजिक में, लैट्स वगैरह का साइज़, ओवरऑल जो लेग्स का साइज़ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो हाँ, ये डिज़र्व करते थे फर्स्ट आना और उनको यहाँ पर ये प्लेसिंग मिली। और अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा बिकनी की, क्योंकि बिकनी के अंदर हमारी इंडियन एथलीट गई हैं कम्पीट करने, नवरीत जोशन, और इन्होंने इस बार न्यूयॉर्क प्रो का ये कॉम्पिटिशन चूज़ करा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जो प्लेसिंग है बिल्कुल लास्ट में जाकर के लगी है। तो ये यहाँ पर इनको प्लेसिंग मिली है और काफ़ी अभी इनको ऊपर जाने की ज़रूरत है। तो अच्छी बात है यार, हमारे इंडिया से अभी एथलीट्स जा रहे हैं और लगातार हर हर साल कई सारे कॉम्पिटिशन्स में हमारे इंडियन एथलीट्स हमें दिखाई देते। पिछले साल इसी कॉम्पिटिशन में दीपिका चौधरी ने भी कम्पीट करा था फिगर कैटेगरी के अंदर, और उन्होंने फोर्थ प्लेस हासिल करा था, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी। देखते हैं इस साल उनके क्या प्लान्स वगैरह होंगे। और अभी के लिए तो दोस्तों पूरा यही था इस कॉम्पिटिशन के बारे में। और मेरे हिसाब से यहाँ पर न्यूयॉर्क प्रो की जो लाइटिंग है ना, उस पर इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमेशा की तरह न्यूयॉर्क प्रो में जो लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है फोटोज़ वगैरह में, दिखता ही नहीं कॉम्पिटिटर्स की जो एक जो जो सेपरेशन होना चाहिए उनकी मसल्स के अंदर, या फिर जो टैनिंग वगैरह होती है वो चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आती है। ऐसा लगता है कि सारे कॉम्पिटिटर्स बिना टैन करे स्टेज पर चढ़ गए, जबकि ऐसा है नहीं। और डेफिनेटली यहाँ पर सारा का सारा जो जो गलती है वो लाइटनिंग की है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, आप लोग बताएगा कि आपको लगता है कि सारे रिजल्ट्स वगैरह ठीक थे, स्पेशली मेंस बॉडी बिल्डिंग में, जहाँ पर कि जो मिलन सेडिक थे उनको यहाँ पर थर्ड प्लेसिंग दी गई, और 212 डिवीज़न के अंदर तो मतलब कमाल ही इन्होंने कर दिया। उसके अंदर बताएगा कि आपको लगता है कि फर्स्ट प्लेस पर क्या अहमद अशकनानी को ही रहना चाहिए था। लिखिएगा दोस्तों कमेंट्स में, जो भी आपको बताना हो नीचे बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।